फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, यानी कि जल्दी जल्दी ऑफ हो जाती है स्क्रीन, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। सेटिंग के इस पेज में आप नीचे आइए तो आपको ये ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, इसे टैप करना है। अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है स्क्रीन टाइम आउट का, इसे टैप करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस पेज में ना मेरा 10 मिनट के सामने टिक मार्क लगा हुआ है। तो होता क्या है कि जब मैं अपने फोन की स्क्रीन अगर एक बार लाइट को ऑन कर देता हूं तो वो 10 मिनट तक चालू रहती है, 10 मिनट बाद जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है अगर मैं स्क्रीन पे बिल्कुल भी टच नहीं करता हूं तो। ठीक है, तो अगर आपका इस पेज में जो है ना कम टाइमिंग पे टिक मार्क लगा हुआ है तो आपको इस पेज में टाइमिंग को बढ़ा लेना है। ठीक है ना, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब मैं आपको कुछ और भी सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए, अगला काम यह करना है कि आपके मोबाइल फोन में ना फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस ऐप में आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ही सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब आपको अगले पेज में स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब यहां पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है तो आपके कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है। अब अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सिस्टम आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू करिए और इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। यहां पर सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है ना, अब देखिए अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ही ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका आपको बैकअप ले लेना है अपने फोन में। और दूसरी बात ही ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। ठीक है, तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।